दैया जी, यहाँ के पुलिस कमिश्नर श्री सतीश बालन जी, उपायुक्त श्री मनोज यादव जी, उपस्थित सभी अन्य महानुभाव, मेरे बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान साथी भी कुछ बैठे हैं, उनका भी अभिनंदन। पत्रकार छायाकर मित्रों, बहुत एक विशेष प्रकार की अनुभूति मुझे इसलिए हो रही है कि समाज की सेवा का जो व्रत हमने वर्षों पहले लिया था, जिसके ऊपर चलने के लिए मन में एक विचार आया था कि लगातार पूरी उम्र पूरी आयु इस समाज की सेवा में कोई कमी न रह जाए, आज उसकी अनुभूति मुझे हो रही है। समाज के लिए क्यों काम करता है कोई व्यक्ति, मुझे कई लोग पूछते हैं आपके मन में इतने सारे विचार क्यों आते हैं, ये लाभ इसको दे दो, ये लाभ उसको पहुंचा दो, ये लाभ उसको पहुंचा दो। मैंने कहा आपके परिवार में कितने लोग हैं, उन्होंने गिनाया, मेरे माता पिता हैं, मेरे दो भाई हैं, एक बहन है, मेरे बच्चे हैं, एक 8-10 परिवार के सदस्य हैं। मैंने कहा आप उनके लिए काम करते हैं ना, यहां करता हूं, मुझे जो आय होती है मैं उनके लिए ही सब कपड़े भी लेके आता हूँ, उनके जूते भी लेके आता हूँ, उनकी बीमारी में भी पैसा खर्च करता हूँ, उनकी पढ़ाई पर भी करता हूँ, बुजुर्गों की सेवा भी करता हूँ, क्यों करते हो? अगर मेरे अपने रिश्तेदार हैं तो पैमाना क्या है, जो रिश्तेदार है उसकी सेवा करो। अब ये भाव मन में लाने के लिए जब हमने विचार किया कि मेरे पास हरियाणा की जिम्मेवारी आई है मुख्यमंत्री के नाते, तो क्या मैं ये 2,80,00,000 लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं मान सकता? उसको माना है और मान करके तभी विचार आता है कि समाज के अंदर जैसे परिवार में भी कोई कमजोर व्यक्ति भी हो जाता है किसी कारण से, शरीर के कारण से उसकी किसी मानो और कमी हो जाती है, उस कमी के कारण से, तो ऐसे समाज में भी अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं उनमें भी कोई न्यूनता रह जाती है, तो सेवा का पहला हकदार वही होता है जिसके अंदर कोई कमी हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, इन चीजों को सामने रख करके हमें बताया सिखाया तो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि मेरा मोदी जी के साथ बहुत पुराना संबंध है, उनका विचार भी यही है जो हमारा विचार है। वास्तव में तो हम किसी एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं दोनों, कुछ लोग जानते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर हेडगेवार यूनिवर्सिटी। तो वहां सिखाया ही जाता है कि समाज अपना है, समाज के साथ प्रेम करो। हम लोग आगे बढ़े, सबसे पहले तो ये आया कि समाज में जो बीमार हो जाते हैं व्यक्ति, उनका आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं होती है, तो कोई ना कोई पैसा खर्च होता है, कोई योजना बनाई जाए, तो प्रधानमंत्री जी ने योजना दे दी क्या, आयुष्मान भारत। उस आयुष्मान भारत में हर ऐसा गरीब परिवार जो बीपीएल जिसको हम कहते हैं, उसका 5,00,000 रुपए का बीमा, घर में कोई बीमार हो जाए उसका खर्च सरकार उठाएगी। उस योजना में हरियाणा के 15,00,000 परिवार, 15.5 लाख परिवार आए। हमें लगा कि नहीं, हमारे यहां गरीबी की रेखा की जो लिमिट है वो 1,20,000 की बजाय हमें थोड़ा ऊपर करनी चाहिए, तो हमने उसको 1,80,000 कर दिया और 14,00,000 परिवार आ गए, तो हमारे यहां 29,00,000 परिवार हो गए। इसके बाद भी डिमांड आई कि थोड़ा पैसा ले लो, 1,80,000 से ऊपर भी लिमिट बढ़ा दो। हमने हिसाब लगाया कि कुल मिला के एवरेज एक परिवार के ऊपर 3,000 रुपए का खर्च आता है, तो जब बातचीत की कुछ लोग बैठे थे भाई 1,500 हम भर देते, 1,500 आप दे दो, करने का हम ले लो, हमने वो योजना भी खोल दी, 1,80,000 से लेकर 3,00,000 तक की जिसकी इनकम है परिवार की उसको भी जोड़ाई, 38,000 लोग वो भी जुड़ चुके हैं, तो आज 40,00,000 परिवार है जो आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा का लाभ उठा रहे हैं। और यही बात राशन कार्डों में भी हुई, हमने 12,00,000 13,00,000 का राशन कार्ड भी नए बनाया,
इनको भी लाभ होना चाहिए। और साथ में ये भी तय किया कि इनको सबको क्या एक 80% रखना, नीचे रखना जरूरी है। उत्तर ध्यान में आया कि नहीं, इनका अगर रोजगार, इनके अगर व्यवसाय को बढ़ाया जाए, कुछ लोगों को प्राइवेट नौकरी मिले, किसी को सरकारी मिले, और गरीब आदमी को पहले लाभ दो। हमने गरीब के परिवार जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसके बच्चों को 5% अंक अतिरिक्त दिए कि पहले इसमें से ले, बाद में फिर दूसरों में से ले, 5% अलग मतलब। जो भर्तियां हो रही है ना सरकारी, इसमें लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो 5% अलग नंबर लेकर के आगे बढ़ते हैं, उनका लाभ होता है। ताकि इनको अगर आगे बढ़ाएंगे, प्रश्न खड़ा किया किसी ने, अगर मान लो इस तरीके से कोई आदमी एक अस्सी से ऊपर पहुंच जाए तो, इनका पहुंच जाए तो ठीक है, राशन कार्ड की क्या जरूरत रहेगी, आयुष्मान की जरूरत क्या, अपने आप ही कर लेगा। अगर कोई 20-30 हजार का महीना किसी घर में आने लग जाए और वो 5-6 लाख रुपया साल का आ जाए तो इसको 5-7-10 हजार रुपया राशन कार्ड की जरूरत क्या रहेगी, रहेगी क्या। तो हमारा मकसद कोई पैसे यानी बांट करके या राशन उसके घर में पहुंचा करके खुशी नहीं होती, खुशी ये होती है कि वो गरीबी से कैसे निकले, ऊपर कैसे आ जाए, उस गरीबी रेखा से ऊपर बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी तो अमुक चीज में संख्या घट गई, हमने कहा हमको खुशी है, बीमारी हरी करने वाले लोग अगर कम हो जाए, स्वस्थ लोग बढ़ जाए, क्या दिक्कत है। हमने इसके लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया कि लोग बीमारी ना हो, इसके लिए यानी गांव के अंदर पार्क में व्यायामशाला शुरू कर दी और हर एक जगह योग सहायक तय कर दिया, योग कराओ इनको, आयुर्वेद की चीजें खिलाओ इनको, गाइड करो कि खाने पीने में क्या खाना क्या नहीं खाना, गलत चीज मत खाओ, ठीक खाओ, पीना खाना छोड़ दो, खाना छोड़ दो मतलब पीना छोड़ दो, क्या पीना छोड़ो, पानी नहीं, दूध नहीं, जो मैं बता रहा हूं वो छोड़ दो। ये जो नशा और ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे जीवन को खराब कर रही हैं, इसके कारण से हमारा शरीर खराब होता है। अगर नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे तो वो पैसा भी बचेगा और बीमारी पर लगने वाला वो भी बचेगा, और अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समय भी बचेगा। एक आदमी एक महीने के लिए बीमार होता तो चारपाई पर पड़ जाता है, एक महीना खराब हुआ ना, आयु भी घटती है। अगर ये नहीं करेंगे आयु बढ़ेगी, और ये सब करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग का बजट कम होगा, आयुर्वेद का बजट थोड़ा बढ़ेगा, बढ़ा लेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर चीज पर हम विचार करते हैं, उसमें से जो विचार आया कि बुजुर्गों की जो पेंशन है ये भी इसकी कैसे कम से बढ़ रही है आपको पता ही है। 2014 में हम आए थे, उससे कुछ समय पहले उन्होंने घोषणा की थी, एक साल पहले 1000 रुपए की, उससे पहले 600 रुपए की, हमने आते ही 1000 रुपए से 2000 की, 2000 से 3000 कर दी, यानी 10 साल में 3000 हो गए। बोलने को कुछ और भी बोलेंगे लोग, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे, अरे भाई सारा हिसाब का तो देखना पड़ेगा ना, कि अपने पंजाबी में कहते हैं कुन्नी, कुन्नी क्या होती है, अपनी जो पोटली, अपनी पोटली में पैसा कितना उतना ही तो लगा पाएंगे। पोटली का पैसा जैसे घर में महिलाएं लगाती हैं, सरकारें भी वैसे लगाती हैं, हमारी पोटली में पैसा कितना है उसको कहते हैं बजट, बजट में जितना पैसा होगा उतना ही तो दे पाएंगे। अब कहने को नारे लगाने वाले पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, अरे ये करना था उस समय कर लेता ना, जब आप राज में थे उस समय क्यों नहीं किया। तो हम एक ही चीज को आगे बढ़ते हुए अपने प्रदेश का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, और हम किसी के आगे हाथ भी ना फैलाए। ये मेरा पड़ोसी प्रदेश है पंजाब, घोषणाएं कर देता बड़ी बड़ी और फिर कटोरा उठा करके केंद्र सरकार के पास चला जाता, मुझे 1000 रुपये। हम कहते नहीं, जो हमारे पास है उसी में से अपना काम चलाएंगे, उसी में से अपनी जनता को सुखी रखेंगे। पैर उतने ही फैलाओ जितनी चार, क्या कहते हैं, जेती जेती चौड़ी चार, उतना ही फैलाओ। तो हम अपने सिस्टम को ठीक रखे हुए हैं, बुजुर्गों की मदद भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, और जो इस लेवल के और लोग होते हैं उनकी भी करते हैं। जैसे बुजुर्गों के साथ साथ हमने
जो हमारी बहनें जो भाग्य से विधवा हो गई, पति का देहांत हो गया, अब उनको भी उतना ही पैसा देते हैं कि उनके परिवार के लिए उनकी थोड़ा चिंता की जाए। जो दिव्यांग होते हैं, शारीरिक कोई कमी रह जाती है, उनको भी पैसे देते हैं। और पिछले दिनों में अचानक जो हमको ध्यान में आया कि भाई जिनकी पत्नी डेथ हो गई, जिनके पति की डेथ हो गई विधवा को दिया, जिसकी पत्नी की डेथ हो गई उसका, उन्होंने कहा उसकी भी लगा दो। 40 साल के बाद अगर वो दूसरी शादी नहीं कराता तो उसको भी पेंशन नहीं मिलती। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी किसी भी कारण से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, शादी नहीं होती, 45 साल के बाद उनकी भी लगा दो। हाँ, आय की सीमा जरूर हमने रखी है कि इस आय से ज्यादा हो तो फिर नहीं देंगे। वो इसलिए भी रखी है, कुछ लोग उंगलियां मेरी तरफ करने लग गए थे, उन्होंने अपने लिए बोला मैंने कहा नहीं, मेरी आय उतनी उससे ज्यादा है, मैं उस सीमा में नहीं आऊंगा। फिर बुजुर्गों की पेंशन वैसे तो सालों से मिल रही है, लेकिन कितने धक्के खाने पड़ते थे, जुतियां डूब जाती थी, दफ्तरों के चक्कर काट काट के कोई सुनता नहीं था, कई कई साल तक उनकी पेंशन बनती नहीं थी हमारे पास। हमें भी शुरू शुरू में ध्यान में आया कि कई कई साल तक लोग घूमते रहते हैं, दरखास्त लेके दस्तावेज लेकर के दफ्तरों में चक्कर काटते हैं, फाइलें बनी हुई थी। हमने कहा नहीं, 60 साल का हो जाए उसी दिन कोई एक सरकारी आदमी घर जाना चाहिए, केवल एक फार्म कागज ले लो, उस पर साइन करा के ले आओ, वो चाहता है कि हाँ मैंने पेंशन लेनी है, तो उसको पेंशन अगले महीने जाने। और उस नाते से इस प्रदेश में मई 2022 में हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, इस 1.5 साल में 1,12,000 लोगों की पेंशन जो है ऑटोमेटिकली एंटर हो गई, 1,00,000। उसी में से आज 3,000 लोगों की पेंशन आज ही जा रही है, आज उनके सर्टिफिकेट बन गए हैं, अगले महीने ये पेंशन उनके खाते में पहुंच जाएगी। अगले महीने क्या 7 तारीख को इसी महीने, अगले महीने, तो ये सारा एक कार्यक्रम होता है महीने भर का, तो अगले महीने से पेंशन सब बनेगा। एक और भी विषय थोड़ा सा मैं ध्यान कराता हूं, क्योंकि हमारे यहां मीडिया के मित्र भी हैं, वो इसे ध्यान कर लेंगे कि वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। जैसे 60 साल की उम्र हो गई कि नहीं जरूरी है, क्योंकि 8 साल पहले हमको ध्यान में आके कांग्रेस के टाइम के ऊपर कुछ लोगों ने 50 साल 52 साल 48 साल 55 साल को अपनी पेंशन भरवा ली, और जब उसका वेरिफिकेशन हुआ तो फिर डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं वापस लाओ, रिकवरी निकाल दी, उनके ब्याज समेत। आखिर मैंने आकर रोका, मैंने कहा भाई वापस लेने का ये तरीका ठीक नहीं है। अब जो ले गए गलती कर गए, गलती हो जाती किसी भी हो जाती है, आगे सावधानी बरतो कि 60 साल से पहले बने नहीं, और जिनसे आप वापस मांग रहे हो इनका जिस दिन ये 60 साल के हो जाएंगे उस दिन जो पेंशन देनी है, आधी इनको देते रहो आधी पिछले वाली काटते रहो, क्योंकि उस टाइम तो अगर मान 1,000 रुपए भी लिए होंगे तब तो 3,000 का आधा भी 1,500 हो जाएगा, 1,500 उनके कटेंगे, 1,500 रुपए मिल जाएंगे। अब जब तक कटते रहे तब तक, जब तक पूरे ना हो तब तक काटते रहो। और भाई अगर कुछ रह जाए और वो आदमी ना रहे, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, पिछले परिवार के लोगों से नहीं लेने की, इससे ये सुविधाएं देनी पड़ती हैं। साथ में इनकम की एक लिमिट पहले होती थी कि जो बुजुर्ग हैं पति पत्नी उनकी इनकम 2,00,000 रुपए साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हमें लगा कि 2,00,000 कम है, हमने उसको आके 3,00,000 कर दिया। जब 3,00,000 रुपए की इनकम अगर है उससे नीचे है तो पेंशन देंगे, उससे ऊपर है तो नहीं, क्योंकि 3,00,000 से ऊपर का मतलब यह है कि उसको 25,000 रुपये महीना कहीं ना कहीं से आ जाता है। 25,000 रुपये महीना जब अपना ही कमा रहा है तो फिर इस 2-3,000 की जरूरत है क्या महीने की, क्यों काम चल जाता ना। तो कुल मिलाकर के, और एक और भी चीज, उनके हम एड्रेस भी चेक करते हैं, उनके उनके जो आईडी कार्ड भी, वो क्या आधार कार्ड भी चेक करते हैं, कहीं कहीं फर्जीपना भी चल जाता है, फर्जी केस भी बहुत ध्यान में आए हैं। कहीं कहीं पड़ोसी प्रदेशों में
पंजाब के, यूपी के, राजस्थान के, ये लोग भी आकर के अपने किसी रिश्तेदार के घर में एड्रेस बनवाया और आके ओल्ड एज पेंशन लेने लग जाते हैं। रहते वही हैं अपनी अपनी जगह, क्योंकि वहां तो कम मिलती है, 1,000 रुपया, 600, 800, यहाँ 3,000। थोड़ा ये आधार से मिलेगी तो एक ही जगह से, चाहे वहां से लो चाहे यहां से लो, लेकिन वहां 1,000 छोड़ देंगे, 3,000 ले लेंगे, ये बात अच्छी नहीं है ना। तो गलत आदमी पेंशन ना ले जाए इसके लिए लगातार उसकी वेरिफिकेशन भी करते हैं। और अभी कुछ ध्यान में आया हमको कि 25-26 हजार लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड कुछ और है और बैंकों के नंबर बदल करके कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, बैंक के उनके नंबर मिलते ही नहीं, जो हमारे पास आधार कार्ड है उसका बैंक का अकाउंट नंबर कुछ और है, लेकिन ओल्ड एज पेंशन वो किसी और बैंक के अकाउंट में जा रही है और उनका ट्रेस किया तो आदमी उन जगह पर उन पतों पर रहते भी नहीं है। कई तमाशे आते हैं। तो हमने कहा कि ऐसे लोगों को कहो कि अगर पेंशन मानो इस महीने नहीं आती है तो बैंक में आकर के अपनी हाजिरी लगा के जाए। बैंक में आएंगे, हाजिरी लगाएंगे, उनका एड्रेस बदल गया है या अकाउंट नंबर बदल लिया उन्होंने या कोई और बात हुई है, फोन नंबर बदल लिया है, तो ऐसे कम से कम हमारे पास रिकॉर्ड तो ठीक होना चाहिए ना। अगर रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो कल को कोई भी उसका एक फर्जी मामला निकल आएगा, कल को फिर स्कैंडल बनेगा कि इतने रुपए का गड़बड़ हो गई। तो इनसे भी बचना है ना। तो ऐसे जिनकी इस महीने मानो किसी कारण से नहीं आती है, 10-15 हजार होंगे, तो वो जाके बैंक में अपना वेरिफिकेशन करा के आए। वेरिफिकेशन होते ही अगले महीने 2 महीने की आ जाएगी, इस महीने की भी अगले महीने के लिए। ये तो ठीक है, क्यों? पेंशन तो जिसको मिलनी चाहिए और ठीक आदमी होगा उसी को मिलेगी ना। कोई किसी के नाम की ले जाए ये ठीक है क्या? इसलिए ये वेरिफिकेशन आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत आसानी से लोग जो हैं, ठीक आदमी जो है उनका भी पता लग जाता है और जो ठीक नहीं है वो भी पकड़े जाते हैं। और अब वो जमाना चला गया कि जब पेंशन हमारी ऊपर से आती थी, बीच में किसी को मिलती थी, वो बांटता था जा जाके, और जितने बट जाते थे, शाम को 5-7 पेंशन अगर बच गई तो उल्टे सीधे अंगूठे लगा के और उसका खाता पूरा करना और पैसे सारे जेब में। अब वो चल गया जमाना। अब तो वहां से अगर चलेंगे खाते में से तो सीधे किसके खाते में जाएंगे? जो पेंशन लेने वाला पेंशन होल्डर है उसके ही खाते में जाएंगे। बीच में कोई रोने पकड़ने वाला नहीं है आपके, ना रोकने वाला है। हाँ, उस टेक्निकल में गड़बड़ कर जाए, जैसे मैंने पहले बताया कि आधार किसी का है, बैंक अकाउंट किसी और का है, अब ये कोई गड़बड़ करेगा तो कैसे की होगी, पकड़ा भी जाएगा, लेकिन इसको भी होने नहीं देंगे। और अब तो हमने यानी किसानों के खातों में उनकी जो फसल होती है उसकी जो कीमत होती है, उसकी जो पैसा आता है उसकी कीमत का, पहले तो आढ़तियों के खातों में जाता था, अब सीधा किसान के खाते में। किसान अपने आप को कभी लखपति करोड़पति तो कहता ही नहीं था, अब कई किसान करोड़पति भी हो गए, लखपति भी सारे हो गए हैं। और उल्टा सिस्टम चल पड़ा, पहले किसान दौड़ता था दुकानदार के पास, आढ़ती के पास, भाई बेटी की शादी है कुछ पैसे दे दे, वो कहे क्या करेगा कि कुछ फर्नीचर लाऊंगा, चल फर्नीचर वाला को मैं फोन कर देता हूँ, ले आ, कपड़े लाऊंगा, चल कपड़े वाले से ले आ, हलवाई लाऊंगा, हलवाई से, मेरे आदमी है सब ले आ जाके। अब पता नहीं कितने पैसे जाते कितने नहीं जाते, वो बड़ा घूमता रहता था। अब जो दुकानदार आड़ती हैं वो किसानों के पास जाते हैं, भाई कि मैं पड़े हूँ पैसे तो जरा दे दे मुझे, जरूरत है, वो ब्याज पर लेके आता है, मतलब है तो व्यवहार, कोई दिक्कत नहीं है, लेना देना तो सबका चलता है, लेकिन सिस्टम तो बदल गया ना। तो किसानों की आय कैसे बढ़े, गरीबों की आय कैसे बढ़े, एक एक बात इसका विचार मोदी जी की सरकार भी करती है, हम भी करते हैं, और जनता में उसका संतोष है, खास करके गरीब जनता। इसी का परिणाम है कि कल सब लोग खुशी खुशी नाच रहे थे। यानी 3 प्रदेशों में से एक आध प्रदेश तो ऐसा है जिसके बारे में सब कहते थे ना वहां बीजेपी नहीं आएगी, और वही सबसे ऊपर निकल के आई है। तो जैसे यह हैट्रिक लगाई है मोदी जी ने, यानी 3 स्टेटों में हैट्रिक लगी, अब यही हैट्रिक जो है मई के महीने में मोदी जी की लगेगी।
और फिर 4 महीने बाद वही हैट्रिक हरियाणा में भी लगनी है। हैट्रिक का मतलब समझते हैं ना, हैट्रिक क्या होती है, पीछे 3 बार जो चीज आए उसको हैट्रिक कहते हैं। धन्यवाद। तो मित्रों मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारे सामने हर ऐसा व्यक्ति, हर ऐसा परिवार, ऐसा वर्ग जिसको सहायता की आवश्यकता होती है उसके लिए नई नई योजनाएं बनाते हैं। हमने जब देखा कि फैमिली आईडी में देखा कुछ बुजुर्ग 80 साल के आयु के हो गए हैं, इससे भी ऊपर हो गए हैं, और पता लगा कि वो अकेले रहते हैं कहीं कोने में किसी कमरे में, उनका खाना पीना भी दूभर है। जिलों में हमने डीसीज को कहा कि एक वृद्ध सेवाश्रम बनाइए, और वृद्ध सेवाश्रम में ऐसे लोग जिनका अकेले रहते हैं, उनकी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके कपड़े दवाई रहना सहना जो भी कुछ है उसकी चिंता सरकार करेगी, ऐसे वृद्ध सेवाश्रम में 80 साल या इससे ऊपर के जो अकेले हैं उनको सबको वहां लाएंगे, सबको लाएंगे और वहां उनकी पूरी सेवा करेंगे, आदमी रखेंगे, भोजन की इसकी व्यवस्था कराएंगे। सब डीसीज को हमने 14 जिलों में तो इन्होंने जगह भी देख ली है और उसके ऊपर बिल्डिंग का बनना भी शुरू हो गया है। शुरुआत करेंगे 15-20-25 से, फिर जैसे जैसे आएंगे लोग शासन में उसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो ऐसे सेवा के काम ये सब करेंगे। और जो ये परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी जिसका जिक्र हुआ, इसके आधार पर सेवाएं जो हैं, छोटी मोटी कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे सारे डिपार्टमेंट, सारे हमारा चाहे क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट है, चाहे ईडीसी ऑफिस है, चाहे सेवा विभाग है, हमारे डीसीज की देखरेख में हर काम ठीक से चल रहा है, किसी को कठिनाई नहीं आने देंगे। बीच में कुछ दिन आई थी कठिनाई शिकायत, तो लगभग 3 लाख शिकायतें आई थी, प्राय सबको रिजोल्व कर दिया गया है। अब किसी की शिकायत आती है तो हाथों हाथ जैसा वो अप्लाई करता है, अगले 7 दिन में 10 दिन में उसको ठीक करके उसको भेज देते हैं। तो इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को, खास करके जो बुजुर्ग हमारे ऐसे बुजुर्ग साथी हैं, बहने माताएं हैं, उन सबको जो आज से पेंशन का एक कार्ड इनको मिला है, अगले महीने से इनकी पेंशन शुरू होगी, इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो वृद्धावस्था सम्मान समारोह एवं जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा था, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल लाइव थे, पेंशनर्स के साथ सीएम मनोहर लाल का संवाद चल रहा था, और जिस दौरान दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी मुरथल में ये कार्यक्रम हो रहा है, और इसमें मुख्यमंत्री लाइव थे। 3000 आवेदकों की पेंशन आज से स्वीकृत कर दी गई है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। सीएम ने लाभार्थियों को सर्टिफिकेट भी दिए हैं। पेंशनर्स के साथ सीएम मनोहर लाल का संवाद कार्यक्रम, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी मुरथल में ये कार्यक्रम किया जा रहा था, और 3000 आवेदकों के पेंशन आज से स्वीकृत कर दी गई है, और लाइव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लाइव देख रहे थे, वृद्धावस्था सम्मान समारोह जनसंवाद कार्यक्रम की ये तस्वीरें, पेंशनर्स के साथ सीएम मनोहर लाल का संवाद। सोनीपत की तस्वीरें हैं, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी मुरथल में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। 3000 आवेदकों की पेंशन आज से स्वीकृत कर दी गई है, और सीएम ने लाभार्थियों को सर्टिफिकेट देकर बधाई दी। तो ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।